हमारे यहाँ पर मौजूद है फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट भी हैं, एक बच्ची ऐसी है जिन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है, ठीक है, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है और उनका सारा क्रेडिट मैं कहता हूँ कि टीचर को भी जाता है, टीचर बहुत अच्छा सिखाया उन्होंने। तो मैं उनको रिज़मा को बुलाता हूँ, आपको दिखाता हूँ उनकी पेंटिंग, बहुत नेचुरल उस पेंटिंग का लुक आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ रिमज़ा फारूक। टुडे आई एम हियर अ लिटिल बिट इंट्रोड्यूस ऑफ माई सेल्फ। बेसिकली मैं जो हूँ स्टूडेंट हूँ डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापिस्ट की फ्रॉम नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी एंड इन थर्ड ईयर। आप लोग सब बोल रहे होंगे कि मेरा इस वक्त यहाँ पर क्या काम है, मैं डॉक्टर हूँ और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। राइट नाउ आई एम ऑल्सो डूइंग फाइन आर्ट्स एंड फैशन डिज़ाइनिंग एज वेल। मेरा आप लोग ये सब भी सोच रहे होंगे कि मैं एक हूँ और मैं डॉक्टर बन रही हूँ, इसके साथ साथ फैशन डिज़ाइनिंग का और फाइन आर्ट्स का क्या ताल्लुक है। असल में बात ये है कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापिस्ट जो है वो मेरे बाबा का एम था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम डूइंग। और फाइन आर्ट्स जो है वो मेरा शौक़ था और एज अ गर्ल मैं सोचती हूँ कि लड़की को हर एक चीज़ आनी चाहिए जिसके लिए आगे उन्हें कोई भी इशू ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे टीचर्स मिले जो मैंने सोचा कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग करूं और नाउ मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूं। और पेंटिंग्स जो है, अगर मैं अपनी फ़ाइन आर्ट्स की बात करूं तो फ़ाइन आर्ट्स मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है और अब मैं जो है पेंटिंग्स अपनी बना कर सेल करती हूँ काफ़ी जगहों पर, जिसमें से मेरी कुछ पेंटिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं, आप सब को अभी दिखाई जाएंगी तो देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। देखें जो आप कहती है ना कि ये सबसे मेरी बेस्ट पेंटिंग है और वो हम देखना चाहेंगे आपकी, ठीक है। ये हॉर्स वाली पीछे से लेकर, अच्छा आप एक बात बताएं, ये इतनी प्यारी क्यूट सी हमारे साथ मॉडल बैठी हुई हैं, तो आप इनकी पेंटिंग बना लेंगे हैंड टू हैंड? हाँ, कोई नहीं बना सकता, वो कलर्स ही नहीं बने जो जिनमें ये पूरी आ जाए। ये चैलेंजर इमजा का बना देंगे आप? आई विल मेक इट। अच्छा अगर ये बना देती हैं आप क्या देंगे? मैं अपना दिल दे दूंगी जो किसी को भी नहीं दिया आज तक। आप इन्हें दे देंगी तो फिर दो दिल वाली हो जाएंगी आप, ठीक है। तो चले हम इनकी पेंटिंग देखते हैं रिमज़ा की। अच्छा आप इसकी डिटेल बताएं कि आपने किस तरह से बनाई, कितने दिन में बनाई, कैसे बनाई, ये सब चीज़ें बताएं। और इस तरफ पेंटिंग्स को बनाने के लिए बहुत छोटे छोटे साइज़ पर स्टार्ट करना होता है। जब मैं अपनी चीज़ों में प्रो हो गई, मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं पेंटिंग से कलर्स को जानती हूँ, कैसे कलर से कैसा कलर बन सकता है, तो फिर मैंने अपनी पेंटिंग्स को बड़ी बड़ी बनाना शुरू की। क्योंकि मैं जब आर्ट गैलरीज़ वगैरह में गई तो मुझे पता चला कि बहुत से लोग जो है बड़ी बड़ी पेंटिंग्स को पसंद करते हैं, तो मैंने फिर बड़ी बड़ी पेंटिंग से स्टेप लिया जो मैंने ये बनाई। और ये मेरा अपना एक, मैंने अपने ही दिमाग से बनाई है जो मैंने स्क्वायरिक लिया। और ये पेंटिंग शायद मैंने छोटा सा क्लिप देखा था जिसमें बहुत छोटी सी पेंटिंग थी, बटरफ्लाई बनी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको बड़े कैनवस पर बनाया जाए। और मैंने इसको काफ़ी थिक कलर्स यूज़ करके बटरफ्लाई बनाकर और उस पर ऑयल कलर्स यूज़ किए, एंड आई नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग कलर्स, व्हाट इज़ सॉफ्ट पेस्टल, वाटर कलर्स, ऑयल पेंटिंग, मैरीज, एक्रेलिक, एवरीथिंग। बेसिक चीज़ ये होती है कि अगर आप बैकग्राउंड लाइट दे रहे हो तो आपकी जो भी पिक्चर ड्रॉ कर रहे हो, जो भी चीज़ बना रहे हो, तो वो चीज़ जो है वो डार्क होनी चाहिए। अगर आप दोनों चीज़ें डार्क रखोगे तो कोई कॉम्बो नहीं बनेगा। ऐसा मेरे साथ हो भी चुका है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं बनाती हूँ वो रिजेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि सर जब तक अप्रूव नहीं करते तो पेंटिंग्स आगे नहीं जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी 6 से 7 पेंटिंग्स बेच चुकी हूँ। जी गिलास, आपने देखे पेंटिंग, इन्होंने इतनी प्यारी बनाई है बटरफ्लाई की, बिल्कुल नेचुरल लुक आ रहा है। अच्छा रिमज़ा ये बताएं कि आपने जो ये शेड्स दिए ये कैसे दिए, या बता दिया आपने? नहीं, मैंने ये शेड्स जो है ये जो इम्बोज हुए हैं ना, और ये फिर ये कुछ ये मुझे ये नज़र आ रही है, मैंने ये बटरफ्लाई बनाने के बाद, ड्रॉ करने के बाद मैंने इसको नाइफ से जो है कलर लेकर और इसको जो है थोड़ा सा थिक करने की कोशिश की। नाइफ का यूज़ होता है इसमें? या आर्ट में नाइफ्स अलग से होते हैं, जिसमें नाइफ्स यूज़ होते हैं वो मैंने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया। अच्छा और हमें ये बताएं कि कौन कौन से बेसिक कलर्स होते हैं और आपने स्टार्ट इसका कैसे लिया था और ये कितने दिन में बनी? आई थिंक 1 मंथ लगा था इसको बनाने में, और
बहुत सारे कलर्स यूज़ होते हैं, बहुत से कलर्स होते हैं, ऑयल पेंट भी होता है और एक्रेलिक भी होता है। एक्रेलिक में ये होता है कि हम वाटर यूज़ करते हैं, ऑयल पेंट में ये होता है कि ऑयल यूज़ करते हैं। और ऑयल पहले जो है लास्ट टाइम उसकी कॉस्ट होती थी 80, अब ऑयल की कॉस्ट हो गई है 300 आई थिंक। और एक्रेलिक ये जल्दी सूख जाता है, ऑयल पेंट जो है वो देर से सूखता है, तो इसीलिए मैंने इस पर एक्रेलिक यूज़ किया था। और एक अच्छी पेंटिंग करने के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, मतलब किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए आप? है तो आप हर चीज़ कर सकते। बेसिक एक चीज़ होती है ना कि ये चीज़ आपको इस चीज़ का ख्याल रखना ही रखना है, जैसे इसकी मेजरमेंट का है, आपने ये जैसे पेंटिंग बनाई आपने डायरेक्ट इसका स्टार्ट कहाँ से ले लिया, कहीं ऐसे ले लिया, यानी कुछ एंगल तो बनाया होगा ना आपने? नहीं, ड्राइंग जब तक ठीक नहीं होगी तो आपकी पेंटिंग अच्छी हो ही नहीं सकती, उसमें कोई ना कोई डिफॉल्ट आपको नज़र आता ही रहेगा। ठीक है, क्लास सी ये हमारे स्टूडेंट्स हैं रिज़मा, बहुत अच्छी इन्होंने पेंटिंग बनाई है। यू वांट टू से समथिंग क्वेश्चन? अच्छा, मुझे पूछना है कि पेंटिंग का नेम क्या है, मतलब व्हिच काइंड ऑफ पेंटिंग दिस इज, या व्हाट इज द काइंड ऑफ दिस थिंग, मतलब बहुत ऐसे ट्रेडिशनल आर्ट होता है, पेंटिंग का नाम क्या है, व्हाट इज दिस, क्या पेंटिंग का नाम है इसका, व्हाट काइंड ऑफ पेंटिंग इज दिस। मैं ये देखना चाहती थी कि अभी मैंने खत्म किया। What do you want to see in this the painting? सर, मैं ये सिर्फ पूछना चाहती थी कि did you, she know that what is a painting of? Yeah, it's a texture of background. Yeah, this is what I am asking for too. ये बहुत प्यारी पेंटिंग है, बस इसको बताने के लिए कि लोगों को आजकल की पेंटिंग्स का नहीं पता। Would you like to purchase this? सर, एक्चुअली मैं खुद करती हूँ, सो आई कैन मेक बेटर देन दैट। तो आप अपनी पेंटिंग पे खुद ही खरीदेंगे? मैं कमीशन वर्क करती हूँ। कमीशन वर्क करती हैं, अच्छा, आप सीनियर हैं, ये जूनियर हैं, लेकिन ये भी काफ़ी सीनियर है, ये मोस्ट सीनियर है। अच्छा, हम आपसे ये बात करते हैं कि आपने की पेंटिंग बनाई, बेचारा बच्चा कब से खड़ा हुआ। थैंक यू सो मच। बस ये वहीं रख दें, आप ले जाएँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, हाँ यार ये रखते हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी पेंटिंग अभी तक कितनी तक की सेल हो चुकी है, आप बताएं। सर, मैक्सिमम जो मेरी 20,000 तक हो चुकी है इंटरनेशनली भी, और अभी यहाँ पे मैं कमीशन वर्क करती हूँ किसी के लिए जो इंटरनेशनली अमेज़ॉन पे और दूसरे जैसे ईबेज है और दूसरी वेबसाइट्स पे पेंटिंग्स अलाउ करते हैं, तो मैं उनके लिए काम करती हूँ। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ये वाला आर्ट लोगों को पता होना चाहिए, अगर लोग हमारे देख रहे हैं तो उनको पता हो कि ये आर्ट है क्या, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं पता उनको। माइक करीब ला रहा हूँ, पीछे जा। नहीं सर, मैं पेंटिंग दिखाना चाह रही थी एक्चुअली। पेंटिंग देख ली, अब आप बताएं। तो मैं ये कह रही थी कि लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअली पेंटिंग है क्या, क्योंकि लोगों को हमारे यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिशनल आर्ट का पता है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का पता है, टेक्सचर आर्ट का नहीं पता। टेक्सचर आर्ट यहाँ पे न्यू है जो इन्होंने काम किया है, तो मैं ये कह रही थी कि उन्होंने बताया नहीं कि ये आर्ट है क्या एक्चुअली। अच्छा, ये टेक्सचर आर्ट अगर पीडीश मैल की पेंटिंग पे करें कैसी लगेगी? क्या मतलब? ये हमारी मॉडल भी हैं, बहुत अच्छी टिकटॉकर भी हैं, अगर इनकी पेंटिंग करें हम, सर वो तो फिर क्लियर बन जाएगी। नहीं, वो तो ये चीज़ है ना कि वो डिफरेंट मीडियम में चला जाएगा। किस मीडियम में चला जाएगा? हम टेक्सचर आर्ट पे इनकी जैसे पोर्ट्रेट्स नहीं बना, इनकी क्या थीम होगी? पोर्ट्रेट्स नहीं बना सकते हम टेक्सचर आर्ट पे, पोर्ट्रेट नहीं बना सकते। पोर्ट्रेट मीन्स? पोर्ट्रेट मीन्स इनका अपना फेस, लुक, बॉडी एंड ऑल नहीं बना सकते। फिर क्या आर्ट पे नहीं होगा, क्योंकि जैसे इसमें इम्पोजिंग इफेक्ट है इनके। मैंने तो एक फिल्म देखी थी, तो उसमें वो पूरी पेंटिंग बनाता उसकी। नहीं, इस मीडियम में पोर्ट्रेट्स नहीं बन सकते। तो वो कौन सा मीडियम होगा जिनमें इनकी पेंटिंग बने? पेंटिंग्स के बेसिक आर्ट्स हैं, जैसे एक्रेलिक पे वो पेंटिंग है, वैसे इनकी पेंटिंग्स बन सकती हैं। रियलिस्टिक आर्ट होता है, उस पर पेंटिंग्स बन सकती हैं, ये होता है। क्या नाम है आपका? मदिया। मदिया, थैंक यू सो मच मदिया, हैव अ सीट। और क्लैपिंग हो जाए रिज़मा के लिए, मदिया के लिए। ये कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, बहुत कुछ कह सकती हैं। आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, मैं अपनी लाइफ में जहाँ भी स्टैंड कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने फादर की वजह से और मेरे एक टीचर हैं सर मुनीर, उनकी वजह से कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।